मैं कब्रे अंधेरी मैं ये कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बाबरकत महीना है कि जितनी ये नेकियां चाहे कमा लें, इसमें जी जितना हो सके कोशिश करें, कोशिश ये करें कि अगर आप देखें आपके साथ कोई गरीब है तो जितनी हेल्प हो सके उसकी करें। अगर किसी के पास खाने को नहीं है आप उसको जाके राशन दें। जी बिस्मिल्लाह रहमान नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट। मेरे साथ डॉक्टर जफर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह पाक ताला ने इनको जो आवाज़ अता की है, मैं तो यकीन कर लें कि जिस वक्त इनका कलाम सुनता हूँ और मैं तो जो सा है मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई दौरे से पढ़ रहे हैं और मुझे इतनी इतनी कशिश होती है कि डॉक्टर साहब की आवाज़ को मैं सुनता रहूँ। नाज़रीन, हम तो गाने सुनते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, मगर मैं यकीन करके करके कह रहा हूँ कि जिस वक्त आप डॉक्टर जफर महमूद सैलवी साहब का कलाम सुनेंगे इन चीज़ों को भूल जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली जो सा खिंचते चले आएंगे और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आज चांद रात है और रमज़ान शुरू होने जा रहे हैं और लोग रौनक लगी हुई हैं, लोग जो सा मस्जिदों की तरफ रुख कर रहे हैं, आज तरावियाँ भी जो सी है आज हो जाएंगी, तो सर तरीका के कैसे महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो सबसे पहले मैं आपको रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत ढेरों मुबारकबाद देता हूँ सबको, जितने देखने वाले हैं सुनने वाले हैं, मेरे बहन भाई जो सुन रहे हैं मुझे देख रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बाबरकत महीना है कि जितनी ये नेकियाँ चाहे कमा लें, इसमें जितना हो सके कोशिश करें, कोशिश ये करें कि अगर आप देखें आपके साथ कोई गरीब है तो जितनी हेल्प हो सके उसकी करें। अगर किसी के पास खाने को नहीं है आप उसको जाके राशन दें, यानी कि ये कुछ ऐसी नेकियाँ होती हैं जो आप दूसरे को पता ना चलें, अल्लाह की बारगाह में ये ऐसी मकबूल नेकियाँ हैं। अगर आप वो आया ना कि आप ऐसे दें किसी को कि दाएं हाथ से दें और बाएं हाथ को भी पता ना हो, ऐसे ऐसे तो कोशिश करें जितनी नेकी हो सकें इस बरकत माह में किए करें ताकि अल्लाह पाक आपको मजीद अजर अजीम अता फरमाए। जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और मैं बता दूं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो महंगाई का सैलाब आ चुका है बहुत ज़्यादा, जिसमें हर तबका परेशान है, खा वो अमीर है गरीब है दरमियाने तबका है, हर बंदा हर शख्स परेशान है। लोगों से ना तो डॉक्टरों की फीसें दी जा रही हैं, ना लोगों से तालीम के पैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अदा किए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो घर में खर्चे हैं रमज़ान शरीफ में तो खर्चे माशाल्लाह बहुत होते हैं, तो मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तफाक करता हूं और मैं आपसे भी अपील करूँगा कि जहाँ तक भी मुमकिन हो सकता है अपने पड़ोस में, अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में इस पर नज़र ज़रूर रखिए। आपको कोई ऐसा शख्स नज़र आता हो जो बेचारा इसका मुस्तहिक हो उस तक ज़कात ज़रूर पहुँचाए, ये आपको अज़र ज़रूर मिलेगा, मेरा ईमान है। अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है और मैं जिस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बना दिया, अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहा है कि मेरा मैंने इस शख्स को इतना कुछ नवाज दिया है कि अब वो शख्स किसी और को दे भी रहा है, अता भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उस बंदे की खिदमत कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यह नाज़रीन ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं कलाम पढ़ता हूँ पंजाबी का, एक बड़ा खूबसूरत दवाइया कलाम है ये, और जब मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा तो आपने मुझे इस कलाम का कहा भी था, तो ये कलाम पढ़ते हैं इंशाल्लाह, समाअत फरमाइए। ए नूर खुदा
डॉक्टर साहब आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। आपने जो नात पढ़ी, जो कलाम पढ़ा, आप यकीन करें कि अल्लाह पाक ताला से यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिस वक्त हम लोग कब्र में उतरे तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं क्या अल्फाज अदा करूं, मैं तो बहुत गुनाहगार हूं, बहुत गुनाहगार हूं। हम सब बस ये दुआ करते हैं कि जब हम कब्र में उतरें आपका दीदार हो जाए, आपका दीदार हो जाए, शफाअत फरमा दें और क़यामत के रोज़ उनके दाएं के नीचे खड़े हों, हमारा बेड़ा पार हो जाए। नाज़रीन, कोई भी मुसलमान, हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि जिस वक्त हम कब्र में उतरें आपका दीदार हो जाए, आप आ जाएं और अल्लाह पाक ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो मैं अभी आपसे कहूँगा कि रमज़ान का महीना है, इसमें जितनी इबादत करेंगे आप अल्लाह को, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होकर रो रो कर दुआएं करें, रो रो कर इबादत करें, इंशाअल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे भी अल्लाह अपना करम अता फरमाएगा और हमारे हम लोगों पे भी अपना करम अता फरमाएगा। नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोस का ख्याल रखिएगा, अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।